पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर के पहले नींव की खुदाई के साथ ही विश्व के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। लगभग 4.25 लाख वर्ग फीट में बन रहे इस 3 मंजिले विराट रामायण मंदिर में 22 देवालय होंगे एवं कुल 12 शिखर होंगे, जिनमें से 21 देवालय रामायण पर आधारित होंगे। वहीं 22वां देवालय गिरधर गोपाल यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण का होगा। वहीं दूसरी ओर यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, जिसका सबसे ऊंचा शिखर 270 फीट का होगा। मंदिर की लंबाई 1080 फीट तो वहीं चौड़ाई 540 फीट की होगी। मौके पर पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि मान्यता है कि प्रभु राम जनकपुर से विवाह के उपरांत अयोध्या लौट रहे थे। इस दौरान भगवान की बारात दूसरे दिन यहां रुकी थी। आचार्य कुणाल किशोर ने बताया कि जनश्रुति की इस मान्यताओं को सजोए रखने के लिए 120 एकड़ के परिसर में विवाह घर और धर्मशाला बनेंगे। वहीं अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे राम जानकी मार्ग पर विराट रामायण मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक पड़ाव होगा। मान लीजिए कि आज जैसे आप लोग जानते हैं कि रावण जब शिवलिंग लेकर चला, दक्षिण में जाना था लंका, शिव जी की इच्छा हुई कि बैद्यनाथ धाम में ही विराजमान हो गए, तो हनुमान जी की इच्छा हुई कि यहाँ विराजमान आ गए। जमीन उपलब्ध है, इतना सुंदर आपको दृश्य कहीं नहीं मिलेगा, इतनी लंबाई चौड़ाई और खाली जगह कहीं नहीं मिलेगी। और जनश्रुति है कि राम जी की बारात भी रुकी थी, और सबसे बड़ी बात है कि ये अयोध्या से जनकपुर के रास्ते में बीच में आता है, इसलिए इसका महात्म सबसे अधिक है। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और इसको लेकर आज यहाँ मन रही है। हमारे साथ यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि जो रामायण मंदिर की का निर्माण यहाँ पे होने जा रहा है इसको लेकर कितनी खुशी है। कितनी खुशी है मंदिर के निर्माण? खूब खुशी है, दिन रात पूजा करेंगे। तो अब लगेगा की अब अयोध्या वाले भगवान यहाँ आ गए हैं। हाँ आ गया है, आ गया। हाँ हमने दिन में बसा ले बाबा आ गया है। हाँ, हाँ, हमने का महादेव जी के शीश है जी, बहुत दिन सपना में तो कुछ कुछ जरूर देखेगा, देखते हैं उनका चरण में रहते हैं तो देखेगा नहीं कि मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। हाँ बताइए हाँ। सब कुछ महाराज जी आ जाइये, माता आ जाइये, पूजा कर सक। हमने का अब रात के यहाँ दीप जावे सांझ खानी और सवेरे पर आ जाओगे पूजा करे, पूजा करे बस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय महिलाओं में खुशी है और खुशी से काफ़ी गीत गा रही हैं कि अब जो है अयोध्या वाले प्रभु राम जो हैं वो कहीं ना कहीं पूर्वी चंपारण जिले के इस विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाले हैं। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया से नकुल कुमार, लोकल 18।
जनकापुर में बाजा।